फट भी जा रही हूँ। गिफ्ट शेयर करोगे क्या? हम स्कूल टाइम से पहले पहुंच जाते। बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है आज, क्योंकि कोई पॉजिटिव टेस्ट नहीं। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू RS1313 व्लॉग्स। सुबह सुबह मेरी आवाज अलग आती है ना गाइस। आज ना बड़ा स्पेशल डे है, क्योंकि आज शनाया ने जाना है बर्थडे पार्टी पे स्कूल के बाद ही अपनी फ्रेंड के साथ। तो शी सुपर एक्साइटेड और रात को सो ही नहीं रही थी। तो मैं कह सो जा भाई, सुबह लेट ना हो जाए। और अभी भी हम बस पूरे पूरे टाइम पे हैं, 6:35 हो गए हैं। हाँ, और अब मैंने कहा भाई फटाफट टाइम ना वेस्ट करते, पहले मैं इनको उठा लेती हूँ बच्चों को। लेट्स गेट स्टार्टेड। गुड मॉर्निंग अनन्या। शनाया दीदी फिर सो गई है, नॉटी गर्ल। शनाया दीदी, शनाया दीदी, उठो बेटी, आओ इधर, उठो उठो उठो, ये देख लो सब देख रहे हैं, तू सो रही है। चलो जी, हमारी पार्टियाँ उठ गई हैं। नीनी नीनी थोड़ी सी खुल गई है। शनाया, आर यू एक्साइटेड? यस, आई एम वेरी एक्साइटेड। आज ऐसा क्या है स्पेशल? आपकी कोई पार्टी नहीं है? अनन्या हो गई बड़ी, पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई, कोई बात नहीं, पढ़ने के टाइम पे पढ़ लेंगे, बाद में पार्टी कर लेंगे, ठीक है। चलो चेंज करो फटाफट, लेट्स गेट रेडी। अनन्या दीदी को तैयार कर रही हूँ मैं, हमारी सबसे छोटी वाली दीदी तैयार हो रही है। ये हमारी सबसे छोटी दीदी है। अच्छा, हमको सिखा रिया है? सबसे छोटी दीदी को भी पार्टी में जाना है, मगर दीदी पार्टी में इनवाइटेड नहीं है। सियान आप क्या कर रहे हो? सियान भाई जी सुबह सुबह खा रहे शुक्र है यार, लाइफ नॉर्मल हुई है थोड़ी सी, तो एंजॉय, आप लोग भी पूरा एंजॉय करो यार। सियान तू हाथ से ब्रश करता करता यहाँ क्यों आ गया? सियान को वहाँ अकेले डर लग रहा था। ये डर अच्छा है। सियान तू ना क्यूटी है यार, छोटा सा। नहीं। अब तो डर नहीं लग रहा। A few moments later. ये किस चीज का हिसाब हो रहा है सुबह सुबह? ये कैंटीन से सामान लेने का हिसाब। ये मैडम मुझे कह रही है वो पार्टी खाएगी तो मुझे क्या मिलेगा? दिखा क्या है तेरे हाथ में, पैसे कहाँ गए? कुछ है, कुछ है। गाइस ये कैंटीन के पैसे जा रहे हैं आज। मैं इसको मेरे पास है 160 रुपीज़। मैं इसको वीकली पैसे देती हूँ और ये पैसों का हिसाब खुद रखती है। फिर इसने क्या खाना है आफ्टर वन वीक? अगर पैसे खत्म, पार्टी खत्म। ये भी ठीक है। फिर नए पैसे नहीं, पैसे नहीं मिलते, सॉरी। चलो चलो, टाइम हो गया, लेट्स गो। चलो 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 चलो, मथा नहीं देखा, मथा नहीं देखा, धन गुरु नानक। शनाया दीदी फुल एक्साइटेड है आज, तो मज़ा ही आ गया। और मेरा अलार्म बज गया यार, एक सेकंड, मेरा अलार्म पहले मैं बंद करूं। ओके, मेरा अलार्म बज रहा है और हम टाइम पे हैं। A few moments later. Bye Nana Didi, good day. Good day my love. Anana Didi ko humne bus stop pe utar diya hai. Anana Didi on her way. And my little loves. Oh, Chotu kahan hai? Mera chota pyara. छोटा प्यारा नहीं दिखा था मेरे को, दिख गया दिख गया। शनाया दीदी
जैसे आप पार्टी से वापस आओगे तो फिर आप मुझसे गिफ्ट शेयर करोगे क्या? मैं क्यों करूँ, वो मेरा गिफ्ट है। दीदी थोड़ा थोड़ा कर लियो यार। मैं नहीं करूँगी, वो मेरा गिफ्ट होगा, जब वो पार्टी में जाएगा अपना ले आएगा। ये भी ठीक है, ठीक है शायद, कोई बात नहीं यार, तो अपने बर्थडे पार्टी वाला एंजॉय कर। गाइस सुबह सुबह ना हम बहुत पंक्चुअल होते हैं, टाइम की तो हमारी दाद देने वाली है, हम स्कूल टाइम से पहले पहुंच जाते हैं। अभी इन्होंने एंट्री भी नहीं शुरू करी होती है और हम गेट के बाहर होते हैं। वी आर मोस्टली द फर्स्ट एंड द सेकंड वंस जो स्कूल में एंटर करते हैं। स्कूल है। अच्छा बाय शनाया, बाय सियान, गुड डे, बाय। गाइज ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है, आज मैं अभी शनाया और सियान को स्कूल छोड़कर आई हूँ और जैसे जस्ट आके बैठी हूँ तो स्कूल से फोन आ गया है कि प्लीज पिक योर चाइल्ड बैक शनाया के लिए। आई सेड क्यों, क्या हो गया? बिकॉज वन चाइल्ड इन द क्लास हैज बीन टेस्टेड पॉजिटिव। ये बहुत स्केयर फैलता जा रहा है फिर से। आई होप ऑल्स वेल। तो इन्होंने इनकी क्लास को वन वीक के लिए बंद कर दिया है, क्वारंटीन कर दिया है। And I hope that child is well and get well soon, baby. अब मैं फटाफट वापस जा रही हूँ स्कूल बिकॉज बाहर सर शनाया के साथ खड़े हैं, तो आई नीड टू पिक शनाया बैक सुपर सून। तो आई वापस स्कूल जाके उसको लेकर आती हूँ। A few moments later. Guys, मैं आ गई हूँ फटाफट नीचे दोबारा से अपना सारा सामान लेकर। स्कूल से फ़ोन आया है कि शनाया बाहर वेट कर रही है, सर उसको लेकर बाहर खड़े हैं, सो यू कैन पिक योर चाइल्ड। तो मैं बस फटाफट आई एम गोइंग टू रश बैक टू स्कूल, शनाया को पिक करूँगी और घर लेकर आती हूँ। आई होप ऑल्स वेल। बेचारा बच्चा वेट कर रहा है, थोड़ा पैनिक हो जाता है बच्चे के लिए, सो या लेट मी गो। गाइज मैं स्कूल पहुँच गई हूँ और शनाया अपने सर के साथ बाहर ही खड़ी है। आजो शनाया, आजो आजो आजो। थैंक यू सर, थैंक यू सर। आओ शनाया, आजो मेरा बेटा। आई एम सो थैंकफुल टू सर कि सर आपको लेकर बाहर खड़े थे। ए शनाया आज तो यार क्या हो गया, बर्थडे पार्टी में जाना था और हम वापस आ गए। ओहो क्या करे, बट आई एम रियली 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 हैप्पी कि सर आपको बाहर लेकर खड़े थे और सर ने हमारे को शनाया सौंप दी। थैंक यू सर। शनाया यार ऐसा क्यों हो गया, और भी बच्चे आए थे स्कूल में क्या? नहीं, 5A के सिर्फ 2-3 बच्चे आए थे, लेकिन फिर मैम ने कहा था कि वो कि P5A मतलब थोड़े दिनों के लिए बंद हो गई है क्योंकि कोई पॉजिटिव केस था ऐसा। oh, बच्चा no. यार ये तो बड़ा, फिर अब तू बर्थडे पार्टी का क्या करेगी? आई एम सो सैड यार, इतनी मुश्किल से थिंग्स वर गेटिंग बैक इन प्लेस और आज हम फिर दोबारा घर जा रहे हैं। Yes. और मैं पता शनाया घर पहुंच के वापस आई हूँ पूरा। अच्छा घर गई, वहाँ जाके जैसे बैठी मैंने सोचा यार सुबह से फोन नहीं देखा। मैम कह रही थी उन्होंने मैसेज डाल दिया था व्हाट्सएप ग्रुप पे, मुझे मैम का कॉल आया। मैंने कहा रियली मैम मैं अभी तो छोड़ कर आई हूँ। वो कहती नहीं मैम यू हैव टू कम बैक, मैम ने कॉल किया था। हाँ फिर दोबारा से मैं वापस आई। यार मुझे बहुत अब टेंशन हो रही है, इतनी मुश्किल से स्कूल खोलते दोबारा से वन वीक के लिए आपकी क्लासेस बंद हो गई है, और फिर हम बर्थडे पार्टी का क्या करेंगे? यार मेरे को बर्थडे पार्टी में जाना था यार मम्मा। बेटा अभी वन वीक के लिए तो कुछ नहीं करेंगे, कहीं नहीं जाएंगे, जब स्कूल में मना किया है स्कूल नहीं जाना है तो कहीं बर्थडे पार्टीज में और पार्टीज में कहीं बाहर भी नहीं जाना। ओके okay. मेरा बहुत मन कर रहा है, प्लीज मैं थोड़ी देर जाके आ जाऊंगी। नहीं नहीं बेटा जी, नो no, जब वो पॉजिटिव केस कह रहे हैं तो यू शुड बी अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ अ कंट्री, है ना? यू शुड फॉलो ऑल द रूल्स। बट मेरे को जाना है। आई नो, कोई बात नहीं, बर्थडे पार्टी तो और भी बहुत सारी आएंगी और आई एम श्योर जिसकी बर्थडे पार्टी थी अब क्लास में वो भी नहीं कर रही है, तो फिर बच्चे नहीं आएंगे, जब स्कूल नहीं जा रहे तो फिर पार्टीज में क्यों जा रहे हैं? कोई बात नहीं, अब हम घर जाओ, रिलैक्स करो, अपनी तबीयत का ध्यान रखो। ठीक है। यस ओके लेटर दैट सेम इवनिंग।
गाइस शनाया जी हमारी वापस आ गई हैं। शनाया घर वापस आ जाओ, आओ इधर आओ शनाया, कम हियर, आओ बेटा बैठो। ओह माय गॉड, शनाया जी वापस आ गई है स्कूल ड्रेस से, अब सीधा नाइट से ट्रांसफर होगा। ठीक हो शनाया? ठीक है तबे? हाँ चलो कोई बात नहीं, अब आप आराम से रिलैक्स करो, 1 वीक के लिए अब आप घर पे ही हो, नो स्कूल, तबीयत का ध्यान रखेंगे, नो बर्थडे पार्टी। ओए मेरा शाडू, मेरा शाडू शाडू वाला बेबी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, रिलैक्स करेंगे, तबीयत सबसे पहले है। ओके चलो चेंज कर लो, आप नाइट सूटी पहन लो, अभी तो बहुत देर है, सो जाओ। अब गुड नाइट कर दो सबको, गुड नाइट। शनाया एग्जैक्टली क्या हुआ था स्कूल में? जैसे मैं स्कूल में एंटर करी, मतलब मैंने बैग उतारा, मैं क्लास में बैठ गई थी, मैं पहले मतलब मैं ही थी सिर्फ क्लास में, कोई आया नहीं। लाइक आई टोल्ड यू, हम तो फर्स्ट वंस होते हैं। 5-10 मिनट्स बाद मैम आई, तो फिर वो बता रही थी कि मैंने आना ही नहीं था आज तो। तो मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा था एक बच्चे को कोरोना हो गया इसलिए फिर आपको नहीं आना। तो फिर सर मेरे साथ बाहर खड़े हुए थे जब तक आप नहीं आए। सो थैंकफुल टू सर कि सर इसके साथ खड़े हुए। चलो कोई बात नहीं, आई होप ऑल इज वेल। गाइज आप लोग भी प्लीज अपना ध्यान रखिए, प्लीज फॉलो ऑल द रूल्स, केयर ऑफ योर सेल्फ, हेल्थ इज वेल्थ, बहुत जरूरी है गाइज, अपना ध्यान रखें, सबका ध्यान रखें। अरे पुनीत ये क्या है, अनाने और सियान तो है नहीं, शनाया सो रही है, बाकी वो स्कूल क्यों नहीं गई है? एक बच्चा इनकी क्लास में इज बीन टेस्टेड पॉजिटिव, तो सारे बच्चों को वापस भेज दिया और बोला है इनको एक हफ्ते के लिए क्वारंटीन करके रखो, ध्यान रखो इनका। नहीं तो इसका मतलब हमें शनाया को एक हफ्ते के लिए क्वारंटीन रखना पड़ेगा। क्या ये कैसे हो सकता है? थैंक यू सो मच वीडियो को पूरा देखने के लिए, नो वॉकिंग ओनली डांसिंग फॉर 24 आवर्स चैलेंज लाइव हो चुका है हमारे चैनल रमनीत सिंह 1313 पे। ऐसा क्रिएटिव, ऐसा सुपर चैलेंज ना कभी देखा है ना कभी देखा होगा। मुझे तो चैलेंज में बहुत मजा आया, मुझे भी मजा आया। वीडियो देखने के लिए क्लिक 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 क्लिक, बहुत ही डांसिंग वीडियो है।